चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो याद रखिए 13वें शिलालेख में, याद रखिए 261 ईसा पूर्व में हुआ था ये कलिंग युद्ध। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो ये था बृहद्रथ की। याद रखिए मौर्य वंश का अंतिम यही था बृहद्रथ राजा। अगला, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? वल्लभन ने। अगला, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला, किलाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग वांगीपुर में नियुक्त किया गया, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बीवी का मकबरा किसने किसकी याद में बनवाया था? औरंगजेब ने अपनी बीवी बेगम रबिया दुर्रानी को यादगार में औरंगजेब ने बनवाया था। अगला, प्रसिद्ध चित्तवाच के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर। अगला, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत श्रोमणी और लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। अगला, शिशुपाल वध किसकी कृति है? माघ की। अगला, स्यादवाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। अगला, अकबर का शिक्षक कौन था? मीर अब्दुल लतीफ। अगला, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। अगला, शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। अगला, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वेहदत्त। अगला, हर्ष की पराजय जिसके हाथों तो हुई थी उस पुलकेशिन द्वितीय की। अगला, ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामक किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। अगला क्वेश्चन है, एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया कौन था? वह बलबन। अगला, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5 का। अगला, मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा जाता था? तो विजयनगर राज्य में विधवा पुनर्विवाह को इससे बाहर रखा गया था। अगला, प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। अगला, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की। अगला, तिरुनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? मोहम्मद अली की। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई? इंद्र को। अगला क्वेश्चन है, यदि यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किस में वर्णित है? कठोपनिषद में। अगला है, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। अगला है, कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की। अगला क्वेश्चन है, कल्लड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? जय सिंह। अगला है, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है? तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के के से खलीफा शब्द हटाया? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है, पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किस
विदेश यात्री ने भाग लिया था? मनुची ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार दशबंध के चित्र कहाँ मिलते हैं? रजमनामा में। अगला, संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? महात्मा बौद्ध ने। अगला, मेघदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धम्म चक्रवर्तन। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी ने। अगला क्वेश्चन है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो ये था भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। अगला, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो याद रखिए जहांगीर का मकबरा लाहौर पाकिस्तान में है। अगला, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में। अगला, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी। अगला, पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वतापी। अगला, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। अगला, आंध सातवाहन वंश का कौन सा शासक था जिसने वेड़ कंठक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में? फिराक सैंधव सभ्यति संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जोते हुए खेत का मिला है साक्ष्य मिला? कालीबंगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर में शिखर का सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान महायान में विभाजित हो गया? चौथरी संगति। अगला है, पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रम शिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई? ये था धर्मपाल। अगला है, गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज एवं देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है, लोदी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? सिकंदर शाह लोदी ने। अगला है, सल्तनत में सर्दिका क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर। अगला, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु। अगला, उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से थे? जहांगीर। अगला, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में। अगला, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में अरिक मेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया? पेडोक नाम से। अगला है, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। अगला है, अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो बैरम खां के हाथों में। अगला है, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जाफर। अगला है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। अगला है, श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? भागवत धर्म का। अगला है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्त सती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल ने। अगला, किस राष्ट्र कूट शासक ने एलोरा के पर्वत को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया? ये था कृष्णा प्रथम ने। अगला, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के। अगला, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध। अगला, आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। अगला है, ईहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। अगला है, तोल वक पीएम किस युग की महान कृति है? संगम युग की। अगला है, इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकाल था? हरिशेण। अगला है, किस मुगल शासक को साहो बेखबर के नाम से जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम।
अगला है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। अगला है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। अगला, रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हस्तांतरित हुई थी? अमृतसर की संधि। अगला है, सैन्य विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? चार्ल्स नेपियर। अगला, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर उपहार क्या नाम था? बलि। अगला है, संगम युग का ग्रंथ मणिमेगले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की। अगला है, भगवान बौद्ध के जीवन की किस घटना को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है? ग्रह त्रयाग को। अगला है, किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पुत्र संप्रीति के पक्ष में परित्याग किया? दिव्या व दान से। अगला, 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल किसने विनाश किया था? बलबन ने।